एक्टर, सिंगर और पॉलिटिशियन मनोज तिवारी 30 दिसंबर को दूसरी बार बेटी के पिता बने। अब एक इंटरव्यू में 49 साल के तिवारी ने अपनी दूसरी शादी का खुलासा किया, जो 8 महीने पहले यानी के लॉकडाउन के बीच गुपचुप तरीके से हुई थी। एक्टर की माने तो उन्हें दोबारा शादी के लिए उनकी बेटी दबाव बनाया था। ई टाइम से बातचीत में मनोज तिवारी ने कहा कि सुरभि दूसरी पत्नी और मैंने लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में शादी की, जिससे मैंने शादी की है। दरअसल वो एक सिंगर है और मैं एक म्यूजिक वीडियो गा भी चुका हूँ। मेरी बेटी ने सलाह दी कि सुरभि और मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मनोज की बेटी और सुरभि एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हैं। मनोज तिवारी के मुताबिक उनकी छोटी बेटी को जन्म के बाद उनकी बड़ी बेटी बहुत खुश है। मनोज तिवारी कहते हैं कि जब उनकी बेटी वापस लौटेगी तो मेरी नवजात का नामकरण करेगी। अभी तक दोनों बहनें मिली नहीं है और मैं उनके मुलाकात का इंतजार कर रहा हूँ। उसने वीडियो कॉल पर नवजात को देखा है, लेकिन मिलने की बात कुछ और होती है। पहली पत्नी रानी के साथ अपनी इक्वेशन के बारे में बात करते हुए मनोज ने कहा कि हमारे बीच किसी तरह की करवाहट नहीं है, हमारे बीच काफी अच्छे ताल्लुकात है। मनोज तिवारी ने 1999 में सिंगर रानी तिवारी के साथ शादी की थी, लेकिन यह चली नहीं और 2012 में दोनों का तलाक हो गया। इन दोनों की एक बेटी भी है और इनकी बेटी ने 2019 में जब 12वीं की परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर भी लाया था, तब मनोज तिवारी ने उन्हें महंगे ब्रांडेड की घड़ी गिफ्ट की थी।